स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 15, क्लास 7, यूनिट नंबर 15, टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी, एक्सरसाइज 15, क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट पार्ट इज टू फिगर्स विद द सेम शेप एंड साइज आर डैश, स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एनी शेप विच हैज any figure which has same shape and their size is also same, they are congruent with each other. So, answer will be congruent. Second is at least one of dash properties for triangles to be congruent has to be true. Four properties because according to the law of congruency, there are four properties. First property is when we are comparing, जब हम compare करते हैं two triangles को, तो side के लिहाज से two triangles अगर congruent हैं, then we can say that both triangles are congruent with each other. Second होता है कि side angle side, और third property होती है angle side, और fourth property होती है right angle side property. So फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स अगर सेम उनमें से एक भी प्रॉपर्टी जो है फॉलो कर रही हो उनकी कंपेयर करने में देन वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर. थर्ड पार्ट इज इफ टू शेप्स हैव इक्वल एंगल्स एंड देयर कॉरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो देन दीज शेप्स आर सिमिलर. स्टूडेंट सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में फर्क होता है. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो होती हैं जिनमें उनकी शेप जो है सेम होती है और साइज भी, लेकिन जो सिमिलर है इसमें शेप जो है वो सेम हो सकती है लेकिन उनके साइज की कंडीशन नहीं होती कि साइज जो है वो बिल्कुल सेम हो. सो आंसर विल बी सिमिलर. टू ट्रायंगल्स विद ऑल थ्री साइड्स इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट. अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज में से देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की साइड उसके लिहाज से अगर टू ट्रायंगल्स जो कि हम कंपैरिजन में ले रहे हैं उनकी थ्री साइड्स जो है वो इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट. फिफ्थ पार्ट है टू ट्रायंगल्स कैन बी सिमिलर इफ देयर एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल. कैन नॉट बी सिमिलर मीन्स के सिमिलर की कंडीशन ये नहीं है कि वो इक्वल हो. सिमिलर में सिर्फ शेप जो है वो सेम हो तो दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हो सकती हैं.